पिछले कुछ दिनों से शहर में चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी होने पर एसपी ने शहर के सभी थाना प्रभारियों को चोरों को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए थे, जिस पर पुलिस टीम के प्रयासों से चोर गिरोह पकड़ा गया। गर्लफ्रेंड्स को महंगे गिफ्ट देने और महंगे शौक में इन युवाओं ने चोरी जैसी वारदात को प्रोफेशन बना लिया है, लेकिन उनके शौक ने अंत में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सागर पुलिस ने चोर गिरोह के 8 सदस्यों को पकड़कर भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद किया है। आपको बता दें कि गिरोह में पकड़े गए कई आरोपी नाबालिग हैं। पकड़े गए माल की कीमत करीब 16 लाख रुपए है। अभी तक की पूछताछ में इस गिरोह ने शहर में हुई चोरियों की 15 वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया है। पुलिस को इनसे और भी वारदातों के खुलासे का उम्मीद है। ये सभी नई उम्र के लड़के हैं और इसमें से सभी 8th, 10th, 12th पढ़े लिखे हैं और करीब 16 लाख रुपए का माल इनसे जब्त हुआ है, जिसमें लगभग 20-21 किलो चांदी के जेवरात हैं और लगभग 125 ग्राम सोने के जेवरात हैं और लैपटॉप भी शायद इनसे एक लैपटॉप भी जब्त हुआ है, कुछ अन्य सामग्री भी जब्त हुई है और इनका आज पुलिस रिमांड लिया जाएगा और साथ ही पूरे जिले के थाना प्रभारियों को भी इनके बारे में सूचना दी गई है, तो पुलिस रिमांड में पूछताछ होगी। तो मुझे लगता है कि शहर की और जिले की कुछ अन्य चोरियां भी बरामद होंगी। तो ये लगातार जो बीच बीच में चोरियों की खबरें आ रही थी, तो इन लोगों के पकड़े जाने से उस पर लगाम भी लगेगी और ये रिकवरी इसमें बहुत अच्छी हुई है। 16 लाख रुपए की रिकवरी हुई है